अयोध्या राम की नगरी के बांधा तिराहा राम घाट हल्ट हाईवे के पास श्री सरयू नगर विकास कॉलोनी में बीते 2 दिनों से सरयू नदी का पानी कॉलोनी में आने से पूरी कॉलोनी जलमग्न हो गई। कॉलोनी वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी के घरों में पानी भर जाने से घरों से निकलना मुश्किल हो गया। जिला प्रशासन द्वारा नाव के खाने पीने की व्यवस्था में लगी हुई बाढ़ पीड़ितों से बात की गई तो लोगों ने कहा कि पानी भर जाने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। तहसील प्रशासन पूरी तरह मदद कर रहे हैं। लेखपाल दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि सभी लोगों दोनों समय खाना दिया जा रहा है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। एक नाव लगाया गया, शाम तक 2 नाव की व्यवस्था और कर दी जाएगी। आइए जानते हैं पीड़ित अवधेश कुमार सिंह ने क्या कहा। नाव है जो थोड़ा अपर्याप्त लग रही है, तो दूसरी नाव की व्यवस्था हो रही है और जो बाबा जी फंसे हुए हैं उनके लिए भी तत्काल नाव भेजी जा रही है। सबके लिए भोजन की व्यवस्था कल भी की गई थी। अच्छा, बाबा जी कब से फंसे हैं आप? बाबा जी कल से पानी आ गया है, रात से तो फंसे हैं वो लोग। पानी निकालने की जब नदी घटेगी तभी पानी निकलेगा, यहाँ पंप से कोई व्यवस्था नहीं क्योंकि सीधे नदी से निकलेगा। ये पानी यहाँ से भरा रहेगा, अब चूंकि स्थिर हुआ है तो अब प्रकृति के ऊपर है। एक शाम से लग रहा है कि थोड़ा अच्छा, कम, अगल बगल जिनका मकान है उनके यहाँ थोड़ा ससुराल ले लें, है ना। हम लोग बाकायदा लगे हुए हैं यहाँ पर, इनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने पाएगी। खाने पीने पानी परसों रात से शुरू हुआ है, ठीक। लेखपाल साहब हमारे के साथ में खड़े हैं, ये बराबर संपर्क में बने हुए हैं। कल चूंकि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, इले मतलब दोपहर बाद इनको छुट्टी मिली, तुरंत तो कानगो साहब लेखपाल साहब आए, हमारे यहाँ पार्षद के प्रतिनिधि जो हैं आलोक सिंह भी आए, रात में भोजन बटा। एसडीएम साहब ने स्वयं सुबह मुझको फ़ोन करके मतलब यहाँ का हाल चाल लिया। हालांकि नाव एक लगी है, एक नाव क्या और हो सकता है, लाइट में बता रहा हूँ। मैंने अभी जय साहब को फ़ोन किया है और जय साहब आवे वहाँ से खंभा पर मतलब 2 खंभा काट कर यहाँ लाइट प्रकाश करवा दें, चूँकि अंडरग्राउंड लाइट है वो बंद कर दिया गया है। लोगों में सांप बिच्छू के नाना प्रकार की दिक्कतें हैं, उस दिक्कत के लिए मतलब हमने शासन प्रशासन से बताया, लेखपाल साहब से बताया, उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। रही बात जो पानी है, पानी का मतलब ऐसा नहीं कि पंप से पानी निकलाया नहीं जा सकता, चूँकि डायरेक्ट सरजू से, जब सरजू घटेंगे तभी पानी यहाँ जाएगा। पानी के बाद ये है कि प्रशासन को देख रहा कि नाना प्रकार की बीमारियां, समस्याएं आने जाने का भीषण समस्याएं उत्पन्न हो रही है। लोग आ जाने रहे, मेरा घर सामने बना, मैं भी नहीं जा पा रहा हूं। जो ये है कि जैसे प्रशासन से उपेक्षा ये करते हैं कि सबसे पहले यहां की लाइट व्यवस्था करा दें, जेई को फोन करके तुरंत तुरंत खंभा गड़वा करके वहां से लाइट व्यवस्था करा दें ताकि लाइट लगे। अंडरग्राउंड लाइट है, इसलिए लाइट कालू नहीं हो सकती है। नहीं, नाव की एक व्यवस्था कल प्रशासन लेखपाल साहब ने एक व्यवस्था कराया है, नाव की एक व्यवस्था अभी वो बता रहे हैं, तुरंत अभी नाव की व्यवस्था हो रही है। भोजन पैकेट कल आया है, भोजन पैकेट जो उन्होंने बताया है कि 11 बजे अभी आएगा, शाम को 5 बजे दिया जाएगा। हम लगे हैं स्वयं